अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। इस चैनल पर बहुत सारी टॉपिक्स पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें, कोई 5,500 से ज़ायद दुरूस मुख्तलिफ टॉपिक्स से रिलेटेड इसमें मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ बंधे रहेंगे। आइए आज के दर्स का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले चंद रोज़ से हम उन लोगों को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं जिन्होंने तसव्वुफ के नाम पर अपनी अपनी दुकानें खोल के रखी हुई हैं और बुजुर्गाने दीन का नाम भी ख़राब कर रहे हैं और आगे अवामुन्नास को भी गुमराह कर रहे हैं। इस ज़मीन में जब मैंने तहकीक करनी शुरू की तो इतनी तादाद में ये गुमराह लोग मौजूद हैं और इतनी तादाद में इनके ऊपर मवाद मौजूद है कि बाज़ाब्ता सिर्फ इस ही को लेकर एक चैनल खोला जा सकता है। इतनी तादाद में ये लोग मौजूद हैं, इससे अंदाज़ा करें कि ये मौजूद हैं, इसीलिए मौजूद है ना कि लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, ये इसीलिए मौजूद है ना कि लोग इनके पास जा रहे हैं, वरना इनके एग्जिस्टेंस का कोई वजह नहीं बनती ना। देखिए ना, आपने अगर कोई दुकान खोली है, कोई आपसे सामान लेने ही नहीं आ रहा, कितनी देर तक आप एज अ बिज़नेस सस्टेन करेंगे, कितनी देर तक आप अपनी दुकान को बरकरार रख सकेंगे? एक वक्त आएगा आप कहेंगे यार कोई ये बिज़नेस इसका मतलब है काम का ही नहीं, चलो कोई और काम करते हैं। तो अब चूंकि ये लोगों को पता नहीं ये पहले क्या करते थे, इनको एक धंधा नज़र आया, उन्होंने कहा चलो यार धंधे में लग जाओ और दीन का दीन भी और इज़्ज़त की इज़्ज़त भी बंदी रहेगी और फिर लूटो भी। उसके अंदर ऐसे ऐसे घटिया गलीज लोग मौजूद हैं आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, मैं तो वहमो गुमान में भी नहीं था जब मैंने इन लोगों को, आज मैं इसी तरह की एक फ़िल्म आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यार गुस्सा भी आता है, कोफ्त भी होती है कि लोग इस जहालत को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे वाकयात सुन रखे होते हैं कि वो वाकये अब उनको चूँकि नज़र नहीं आ रहे होते ना माहौल में, तो जो इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है उस पर वो वाकया फिट कर देते हैं, कोई मजजूब बना हुआ है। और ऐसे ऐसे ड्रामे हैं और ऐसे ऐसे ड्रामे हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज इसी तरह के एक ड्रामे के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उसका नाम है हेलमेट वाली सरकार। हेलमेट वाली सरकार, मैं नाम सुना था तो मैं थोड़ी देर के लिए हिल गया। मैंने कहा यार बड़ी तहकीक करके नाम रखा गया है, वो भाई साहब मोटर बाइक का हेलमेट पहन कर आते हैं, ठीक है। अब वो है ना हमारे पास वो ट्रेंड बन गया है मजजूब, वो जी मजजूब है। मैं मजजूब के ऊपर आपको एक और दर्स दूंगा कि मजजूब होता क्या है और मजजूब कहते किसको हैं। और फिर बाज़ उलमाए कराम ने कुरान करीम की एक आयत से भी इसके अंदर इस्तदलाल किया। बहरहाल उसको हम एक और दर्स में सेपरेटली देखेंगे, लेकिन ये ढोंगी है। क्यों? क्योंकि देखें, एक जगह पे सेटअप हुआ, वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको आखिर में, जैसे पहले भी दिखाई, तो एक जगह सेटअप हुआ है, सारे बंदे बैठे हुए, बीच में दो बंदियाँ गाना गा रही हैं, ये पता नहीं क्या कर रही हैं, उन्होंने माइक पकड़ा हुआ है, म्यूज़िक हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद ना पीछे से एक सांप की एंट्री होती है। अब मुझे किसी ने कमेंट में लिखा कि आप ये वीडियोस पे आप को हंसी नहीं आती, आप इतने सीरियस कैसे हो सकते हैं? मैं कहा यार दिल दुखावा हो ना बंदे का तो सीरियस होता है, और मैं इसको भी सीरियस करना चाहता था, लेकिन मुझे बार बार वो हेलमेट वाला बंदा याद आ रहा है। वो शलवार पहनी हुई उसने सफ़ेद रंग की, ऊपर से नंगा है, ऊपर से आधा नंगा है, हेलमेट पहनी हुई है मोटर बाइक वाली, हाथ में उसने कोई चमचा वमचा लिया हुआ है लकड़ी का, चलते हुए आता है, चलते हुए आता है। एक जगह पे कोई गद्दी रखी हुई है या पता नहीं लकड़ी का कुछ रखा हुआ है, उसके ऊपर गद्दे वद्दे इस तरह के पड़े हुए, ऐसा लगता है मोटर बाइक है। वो उसके ऊपर मोटर बाइक की तरह चढ़ जाता है, उसके हाथ में वही डंडा है, और लोग जी ऐसे पागल हो गए, ऐसे पागल हो गए, पता नहीं क्या शय आ गई है, पागल है यार वो, या तो एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर है ऑफकोर्स, हेलमेट पहनी हुई, उसने कोई शक्ल नहीं देख सकता उसके अंदर बंदा कौन है, और जनाब आके उन्होंने पैसे उस पर वारने शुरू कर दिए। यार व्हाट नॉनसेंस इज दिस, क्या मजाक है। हेलमेट वाली सरकार, वो कोई कोई चुमटे वाली सरकार, कोई मुझे बता रहा था एक भाई, वो कहते जी टॉफियों वाली सरकार भी है कैंडी लैंड से आए हजरत और वो
कैंडियाँ बांटते हैं, फिर कोई चॉकलेट वाली सरकार भी आ जाएगी, कोई पान वाली सरकार भी आ जाएगी, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं ना इनकी सरकारें निकल आएंगी। आगे तो जाहिल है ना, पता ही कोई, खबर ही कोई नहीं है, ना कभी दीन पढ़ा है, ना कभी सुना है, किस्से कहानियाँ सारी ज़िंदगी किस्से कहानियाँ सुनते हुए निकल गई। वो ये समझते हैं कि ज़िंदगी एक कहानी है जी, को कुछ होगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ जादू हो जाएगा जी। अब वो चमत्कार को यहाँ इन्होंने करामतों के नाम दे दिए कि करामत जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक लेवल पे थी ना, एक औलिया अल्लाह के हाथ पे खर्क़ आदत अल्लाह के हुक्म से किसी चीज़ का आ जाना, ज़ाहिर हो जाना, और फिर वो अल्लाह के वली भी हों, औलिया हों, आलिम हों, वो जो है तरीक़त के मनाजिल को तय किए हुए लोग होते हैं, शरीयत से के पाबंद होते हैं, वो शरीयत की इनकी तरह नहीं होते कि इनको तो नमाज रोज़े का भी नहीं पता होगा, इन्हें तो फ़राइस और वाजिबात और सुनन के मसाइल भी पता नहीं होंगे, इन्हें तो गुसल भी लेना नहीं आता होगा। कितने पकड़े हैं इन्होंने, आपने भी शायद वीडियोस देखी हों, वो अल्लाह के बंदों को कलमा नहीं आता था, अच्छा बाद में कोई इम्प्रूवमेंट हुई तो कलमा, तो कहने जी कलमा आता है, नमाज नहीं पढ़ी, ना पढ़नी आती है, कुरान नहीं देख के पढ़ सकते यार। लेकिन चूंकि जिनको वो कैटर कर रहे हैं उन लोगों को वैसी भी कुरान पढ़ना नहीं आता, ये उन्हें सारा दिन कलमा भी पढ़ाता रहे तो ये उनको उससे इम्प्रेस हो जाएंगे कि वो जी बड़े पहुँचे हुए हज़रत ना दीन के का दीन से तो कोई ताल्लुक ही नहीं हज़रत का, तो पैसे बटोरने आए हुए हैं। अफसोस होता है यार, इसलिए अफसोस होता है, तकलीफ़ होती है कि लोग कैसे अपनी आखिरत को अपनी जहालत में बर्बाद कर रहे हैं। और साहिबान इल्म जो है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हमारे यहाँ मदारिस में हज़ारों लाखों बच्चे निकलते हैं, ये सारे मुल्क में फैल के हिदायत का काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन सोच चाहिए, कोई मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश तो करे कि अकीदे लोगों के ठीक हो जाए, उनको कुरान पढ़ना आ जाए। भाई तबलीगी जमात वाले तो 40-40 दिन के लिए भेज देते हैं ना, 40-40 दिन के लिए भेज देते हैं, उससे फिर पीछे उनके अहलो अयाल का क्या मामला है अल्लाह बेहतर जानता है, वो हम बात। लेकिन मेरे ख़्याल से, मेरी नज़र में ज़्यादा मुफीद ये चीज़ होगी कि आप मदारिस जो है ना, मुख्तलिफ मदारिस, वो जिनके करीबी जितने इलाके हैं ना, वहाँ हर इलाके से 2-3 बच्चों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुएट करके निकालें और उनको उन इलाकों में भेज दें। इस तरह लोगों के अकीदों पर काम करो कि उनके अकीदे अच्छे हो जाएं, ठीक हो जाएं, सुधर जाएं, वरना ये लाखों बच्चा निकलता है, लाखों हफाज हैं, ये आगे क्या कर रहे हैं, ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए यार, चंद साल में तो सब के सब ठीक हो जाने चाहिए, लेकिन सोच नहीं है, फाम नहीं है। अल्लाह हिदायत दे, मैं और क्या कह सकता हूँ। आप ये हेलमेट वाली सरकार देखें यार, अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।